हमारी रेसिपीज अगर आपको पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे हमारे चैनल इटालियन ढाबा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन एंड बेनवेनुती इन इटालियन ढाबा। आज हमारे ढाबे में मटन बिरयानी बनने जा रही है जो कि बड़ी मजे की और चटपटी सी बनती है, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊं कि भाई मैं कैसे बनाती हूँ, इसलिए मैं ये आज मटन बिरयानी बनाने जा रही हूँ। आप इसको बनाना यकीनन आपको पसंद आएगी। इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए होंगी उसमें ये मैंने मटन लिया है 1.25 किलो है और ये बोनलेस है बगैर हड्डी के, और इसके अलावा ये 3 टमाटर है जिनको कि मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसके अलावा 1 कप दही है फुल भर के, 1/2 कप फ्राई प्याज है, 1/2 कप से थोड़ा सा कम जो है वो ऑयल है, 2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून जो है हल्दी है, 1 टीस्पून फुल भर के धनिए का पाउडर है, 1 टीस्पून लेवल जो है वो जीरा पाउडर है, 1.5 टीस्पून जो है वो भर भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून फुल भर के काली मिर्च है मोटी मोटी कुटी हुई है बारीक नहीं है, 3 टेबलस्पून लेमन जूस है और 3 ही हरी मिर्च है जिनको कि हमने स्लाइस कर लिया है। इन चीज़ों से हम अपने मटन को मैरिनेट कर देंगे और फिर इसको 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सब चीजें हम इसमें डाल देंगे। ये हमारे मटन को मैरिनेट हुए 35 से 40 मिनट हो चुके हैं, और इसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उसके अलावा हमें चाहिए होगा 1/3 कप के जितना ऑयल चाहिए होगा, ये 2 टेबलस्पून जो है दूध है जिसके अंदर हमने कलर 1/2 टीस्पून जो है वो कलर मिक्स कर लिया है, 750 ग्राम चावल है, ये सेला चावल है जिनको कि हमने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था, बासमती नहीं है सेला चावल है, और इसके अलावा हमें पुदीना चाहिए होगा लेयर में डालने के लिए, हरी मिर्चें चाहिए होंगी स्लाइस, फ्राई प्याज और टमाटर। इसके अलावा अगर आपको लेमन मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, मैंने नहीं लिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत मोटी स्किन वाले लेमन होते हैं जिससे थोड़ा कड़वा टेस्ट आ जाता है और बड़े बड़े होते हैं जो कि अच्छे भी नहीं लगते। अगर आपको जो लेमन का साइज़ हो तो उस साइज़ के मिल जाए तो उसके थिन स्लाइस काट कर वो भी आप लेयर में डालेंगे। आए आप कुकिंग की तरफ चलते हैं। ये हमने पैन रख लिया है, इसके अंदर हम ये जो अपना सारा मीट डाल देंगे और अपने फ्लेम को ऑन कर देंगे। पहले हम इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे, जब ये उबल जाएगा इसको एक उबाल आ जाएगा फिर हम अपने फ्लेम को लो कर देंगे और इसको उस वक्त तक पकने देंगे लो फ्लेम पर कि ये गल जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे, जब एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसका फ्लेम जो है वो लो कर देंगे। ये हमारा तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। अब ये हमारा गोश्त जो है ये अच्छे से गल चुका है, ये देखो बिल्कुल गल चुका है, ये हो चुका है और हमारा गोश्त देखें ये अच्छे से गल चुका है बिल्कुल, ये बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसमें ये हरा मसाला डाल देंगे, हरी मिर्चें, टमाटर स्लाइस डाल देंगे, अगर आपके पास मैंने पहले बताया नींबू भी हो छोटे जो होते हैं कागजी जो होते हैं उनका स्लाइस आप करके डाल दें, हमारे यहाँ बहुत मोटे मोटे छिलके वाला नींबू होता है मैं इसलिए नहीं डाल रही। इसको मिक्स करेंगे, ऐसे, और इस पर अपने राइस डाल देंगे, और ये जो चावल हैं इनको मैंने नमक और गरम मसाला जो होता है जिसमें काली मिर्च, लौंग,
दार चीनी, थोड़ा सा जीरा और दो बेली तेज पत्ते, उनके साथ मैंने इसको उबाल लिया। अब हम इस पर फ्राई प्याज डाल देंगे। ये जो कलर है दूध में मिक्स हुआ हुआ, ये डाल देंगे और ऑयल भी डाल देंगे। और 5 मिनट इसको रखेंगे हम तेज आंच पर। उसके बाद हम इसके नीचे 10 मिनट के लिए तवा लगा देंगे, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये हमारी बिरयानी को अच्छा सा दम आ चुका है। एक साइड से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा सा और फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमने मज़ेदार सी चटपटी बिरयानी बना ली है चटोरों के लिए। इसको आप अपने घर में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपकी कैसी बनी। और जब आप इसको बनाएं तो इसकी पिक्स जो है वो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे साथ शेयर करें कि भई आपकी बिरयानी की लुक कैसी आई। एंजॉय करें।